कहानी का नाम कला की रूपरेखा। कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वाचनकर्ता अमित पांडे। प्रयाग में था, लूकरगंज में, पंडित वाचस्पति पाठक के यहां लीडर प्रेस में निरुपमा बेचने गया था। जाड़े के दिन 1936 का प्रारंभ। चाय पीने की लत है। चाय के साथ हिंदू मिठाई, फल, टोस्ट वगैरह खाते हैं। मैं अंडे खाता हूं, बॉइल्ड, हाफ बॉइल्ड या पोच। समय रहा तो ऑमलेट। अंडे बत्तख के नहीं, मुर्गी के। पाठक की मां मुर्गी का पर देख लें तो मकान छोड़ दें। लिहाजा सुबह उठकर स्टेशन जाता था, एक मुसलमान की दुकान में पाठक देखते थे, मैं खाता पीता था। जाते आते रास्ते में बातचीत होती थी तरह तरह की। पाठक मुझसे 11-12 साल छोटे हैं। इस समय 28 और 40 की पटरी बैठ सकती है। उस समय जब पाठक 5 के और मैं 17 का था, अवश्य कोई साम्य न रहा होगा। आज इंग्लैंड की निगाह में भारत जितना समझदार और शक्तिशाली है, मेरी निगाह में पाठक उतने भी न रहे होंगे। मैं जूही की कली का कवि था और पाठक पहली किताब के पाठक। लेकिन पहले पहल जब मेरी पाठक से मुलाकात हुई काशी में, मैं 30 का और पाठक 18 के, वह मेरे घनिष्ठ कवि प्रिय मित्र होकर मिले। एक रोज जब लूकरगंज से हम लोग स्टेशन की तरफ चले, उन्होंने मुझसे पूछा, कला क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं। पाठक उड़ी निगाह से मुझे देखने लगे। मालूम नहीं क्या सोचा, मुमकिन जैसा सब सोचते हैं उन्होंने भी सोचा हो। मैंने फिर कहा, जो अनंत है वह गिनी नहीं जा सकती, इसलिए कुछ नहीं कहा। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, कला उसी तरह की सृष्टि है जैसे आप सामने देखते हैं, बल्कि यही सृष्टि लिखने की कला की जमीन है। अनादिकाल से अब तक सृष्टि को गिनने की कोशिश जारी है, पर अभी तक यह गिनी नहीं जा सकी, अधिकांश में बाकी है। यह एक एक सृष्टि, एक एक कला है। फलतः कला क्या है यह बतलाना कठिन है। अद्वैतवाद में सृष्टि के गिनने की असमर्थता के कारण सृष्टि का अस्तित्व ही उड़ा दिया गया है, इसलिए कहा कला कुछ नहीं है। कला के दो चार करोड़ रूप ही बतलाए जा सकते हैं, पर इससे कला पूरी पूरी ना बतलाई गई। पर एक बोध है, उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जैसे ब्रह्म के अलग अलग रूपों की बात नहीं कही गई, केवल सच्चिदानंद कह दिया गया है। इसी को साहित्यिकों ने सत्य, शिव और सुंदर कहकर अपनाया है। बोध वह है, जैसी कला हो उसके विकास क्रम का वैसा ज्ञान। इसके लिए प्राचीन और नवीन परंपरा भी सहायक है, और स्वजातीय और विजातीय ज्ञान के साथ मौलिक अनुभूति और प्रतिभा भी। फिर हिंदी के भिन्न भिन्न अंगों की बातचीत होती रही। हिंदी भाषियों का मस्तिष्क दुर्बल है रूढ़िग्रस्त होने के कारण, वहां नवीन विचारधारा जल्द नहीं प्रवेश पाती। यद्यपि भारतीय समस्त साहित्य का इतिहास समस्त प्रकार की मौलिकता लिए हुए है,
हिंदी का समाज संस्कार अनुरूप न होने के कारण उपन्यास उच्चता तक नहीं पहुंच रहे। बहुत जगह भविष्य समाज की कल्पना कर लिखा जाता है। काव्य, कहानी, प्रबंध, नाटक, इन सबका लेखक जो मनुष्य है वह अनेक रूपों में अभी विकसित नहीं हुआ, बड़ी कमजोरियां हैं। फलतः साहित्य अभी साहित्य नहीं हो सका। मैं कहता गया, ये सब नाई हैं, अपनी बारात में ठाकुर बने हुए हैं। कुछ नाम भी गिनाए, कलकत्ते से लाहौर तक। तब तक स्टेशन आ गया। मेरा मुसलमान दुकानदार आदर की दृष्टि से मुझे देखकर अंडे फोड़ने चला। अंडे उबाले हुए रखे थे। मैं बैठ गया। पाठक वहीं दो चार कदम इधर उधर टहलते रहे। कुछ और भी चाय पीने वाले मुसलमान सज्जन थे। एक दुबले पतले प्रायः 50 साल के मुसलमान सज्जन गौर से मुझे देखते रहे। उनकी आंखों के आश्चर्य का मैं चुपचाप आनंद लेता रहा। अंत तक उनसे न रहा गया, पूछा, जनाब आप पंजाबी हैं? मैंने सोचा जितनी कम मेहनत हो अच्छा है। कहा, जी। उन्होंने पूछा, कारोबार करते हैं? मैंने कहा, जी। उन्होंने पूछा, यहीं? मैंने कहा, नहीं, लखनऊ में। मैं अंडे वाला प्लेट उठाकर कांटे से खाने लगा। प्रश्नकर्ता को अभी पूरी पूरी दिल जमाई न हुई थी। पूछा, काहे का कारोबार करते हैं? मैंने बिना विचार कह दिया, रेशम का। ज्यों मुसलमान सज्जन का आश्चर्य बढ़ा, त्यों ही मैंने भी सोचा, यार पंजाब में रेशम की पैदावार कहां होती है, कारखाने कहां हैं, यह तो मालूम नहीं। उधर से पश्मीने आते हैं, जानता हूं। पेशावर, काश्मीर वगैरह के पश्मीने मशहूर हैं। बदलकर बोला, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड से रेशम मंगाता हूं। कहकर मैं गंभीर भाव से अंडे खाने लगा। सोचा, स्विट्जरलैंड एक सुंदर देश है, वहां रेशम जरूर बनता होगा, और ना भी बनता हो तो क्या। मियां खतवा खाल से मालूम होते हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड का नाम पहले पहल सुना है। जनाब का इस्म शरीफ? एक बार इस इस्म शरीफ शब्द से बड़ा धोखा खाया था। सोचा था वह दौलत खाने का पर्यायवाची है, लेकिन जैसा धोखा मैंने खाया, जवाब सुनकर वैसा ही पूछने वाले ने मेरे विशुद्ध संस्कृत में दिए स्थान परिचय को उन्होंने नाम परिचय समझा। तब मैं मेदिनीपुर में रहता था। जानता था पुर कहूंगा तो मेरी तरह ये संशय में न रहेंगे। कहा, मेदिनी दल। उन्होंने जुझार मल की तरह का एक नाम यह भी होगा सोच लिया। इस बार जल्दी जल्दी मुसलमानी नाम याद करने लगा तो एक भी नाम याद ना आया। पेट में मोहम्मद मोहम्मद हो रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बंकिम चंद्र की याद आई। उन्होंने अपने एक हिंदू पात्र से मोहम्मद के नाम एक प्रेम पत्रिका शाही कैंप में भिजवाई है, इस निश्चय से कि इस नाम का कोई सैनिक अवश्य होगा। वहां कई मोहम्मद निकले, एक दूसरे से लड़ने लगे। नाम बताने में जरा भी देर शंका पैदा करती है। मुझे नाम तो न याद आया, पर समझ ने साथ न छोड़ा। मुंह का अंडा निगला जा चुका था, पर मैं मुसलमान सज्जन की ओर मुंह किए विराट रूप से मुंह चलाए जा रहा था। सिर हिलाता हुआ उन्हें आश्वासन दे रहा था
कि जरा देर ठहर जाइए, फिर भी नाम ना आया। अंत में बड़ी मुश्किल से एक शब्द याद आया, पर वो ऐसा नाम मैंने स्वयं कभी नहीं सुना। उधर मियां का धैर्य छूट रहा था, मेरी पागुर बंद नहीं हो रही थी। मैंने कहा, जनाब मुझे वकूफ हुसैन कहते हैं। मियां उसे और मुलायम करके बोले, वकूफ हुसैन? मैंने कहा, जी। मियां बढ़े, मैंने चाय पीना शुरू किया। पाठक पीछे थे, शायद सामने से ज्यादा हंसी आती थी। जब चाय पीकर दाम देकर चला, तब रास्ते में पाठक ने मुझसे कहा, आपने वकूफ शब्द का एक अक्षर छोड़ क्यों दिया? मैंने बैसवाड़ी में कहा, तुम थे इसलिए। अभी हम लोगों ने स्टेशन का अहाता पार नहीं किया था, अहाते में मद्रासियों का एक दल बैठा हुआ देख पड़ा। मैंने सोचा शायद ये लोग कुंभ नहाने आए हैं। इतने ही में कि उनमें से एक आदमी, उम्र 45 के लगभग, भौंरे का रंग, खासा मोटा तगड़ा, एक लंगोटी से किसी तरह लाज बचाए हुए, उतने जाड़े में नंगा बदन दौड़ा हुआ मेरे पास आया और एक सांस में इतना कह गया कि मैं कुछ भी न समझ सका। मैंने फिर पूछा, टूटी फूटी हिंदी में पूरे उच्छ्वास से वह फिर कहने लगा। इस बार मतलब मेरी समझ में आया, वह यात्री है, मद्रास का रहने वाला, कुंभ नहाने आया था। यहां चोर उसके कपड़े लत्ते माल असबाब उठा ले गए, गठरियों में ही रुपए पैसे थे। अब वह अपने आदमियों के साथ हर तरह लाचार है, दिन तो किसी तरह धूप खाकर भीख मांगकर पार कर देता है, पर रात काटे नहीं कटती, जाड़ा लगता है। वह एक दृष्टि से मेरा मोटा खद्दर का चादरा देख रहा था। मैं विचार न कर सका, उतार कर दे दिया। वह मारे आनंद के दौड़ा हुआ अपने साथियों के पास गया और इस महादान की तारीफ करने लगा, मेरी तरफ उंगली उठाकर बतलाता हुआ। पाठक संसार के चक्रांत की बातें सोच रहे थे, देश दुर्दशाग्रस्त है, इसलिए कितने चक्कर रोज देशवासियों को खाने पड़ते हैं, कितने लोग उन्हें छलते रहते हैं, कितने प्रकार प्रचलित हैं। मुझसे बोले, आखिर आपने अपना बतलाया नाम यहां सार्थक कर दिया ना। यह अभी दोपहर को गुदड़ी बाजार में 4 आने में यह चादरा बेचेगा। मैंने कहा, धोखा भी हो सकता है और इसकी बात भी सच हो सकती है। यह मद्रास से यह सोचकर तो चला नहीं होगा कि गुदड़ी बाजार में कपड़ा बेचेगा। पाठक अप्रसन्न होकर बोले, मैं आपके देने का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरे पास कपड़े कम रहते हैं, कम थे, लेकिन के बाद वह इसी भाव की पूर्ति करना चाहते थे पर रुक गए। हम लोग लूकरगंज आए, धीरे धीरे 2 महीने बीते। लखनऊ कांग्रेस के समय 27 मार्च को वह मेरे साथ लखनऊ आए और मेरे मकान में ठहरे। धीरे धीरे कांग्रेस का समय आया, उनके 2 मित्र जो मेरे भी मित्र हैं आकर ठहरे। जहां तक बिना टिकट के देखा जा सकता था, मैंने घूम फिरकर कई रोज देखा। 2-3 रुपए प्रदर्शनी देखने और महात्मा जी के व्याख्यान सुनने में खर्च किए। प्रदर्शनी के कवि सम्मेलन में नहीं जाता, यहां भी नहीं गया। जो कुछ हुआ संवाद मालूम कर लिया गया। सब्जेक्ट कमेटी की बैठकें देखने की इच्छा थी, पर वह दृश्य अप्सराओं के नृत्य देखने से भी महंगा था। पाठक बोले, मेरा पास लेकर देखाइए।
मैंने कहा। वहां बहुत से लोग होंगे जो मुझे पहचानते होंगे। फिर प्रेस रिपोर्टरों की जगह मुझे कोई अपने पास से भी कुछ देकर बैठने के लिए कहे तो मैं न बैठूं। पाठक लड़ने लगे, बोले, वह सबसे बढ़िया जगह होती है। मैंने कहा, होगी, मैं न जाऊंगा। कांग्रेस शुरू हुई, पहले दिन मैं न गया। आगे भी जाने का विचार न था, कारण प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से जाना मुझे पसंद न था और 3 दिन तक दाम खर्च कर जाने में अड़चन थी। प्रयाग से 250 रुपये ले आया था, प्रायः सब खर्च हो चुका था, कई महीने के बाकी मकान किराए और भोजन के खर्च में। दूसरे दिन जब कांग्रेस की बैठक शुरू होने को हुई, मेरे मकान से लोग चलने को हुए तो मैं सोने का सुबीता करने लगा। जो मारवाड़ी सज्जन आए हुए थे उन्होंने कहा, निराला जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप सोते बहुत हैं। मैंने कहा, हां यह तो है, पर जब जागता हूं तब 15-15 रात लगातार नहीं सोता। मारवाड़ी सज्जन हंसे, बोले, चलिए। मैं बड़े संकट में पड़ा, कैसे कहूं मेरे पास खर्च की कमी है। कहा, कांग्रेस में बड़ी गर्मी है। हां पर हवा अच्छी चलती है। मारवाड़ी सज्जन बड़े मजेदार आदमी मालूम दिए। मैं उनके उत्तर पर मुस्कुरा रहा था तब तक एक 25 रुपये का टिकट निकालकर उन्होंने कहा, यह टिकट आपके लिए है। मैं चला। मैं और मारवाड़ी सज्जन एक ही जगह पर थे। वह जगह कुछ ऊंची थी, कुछ दूर पर बड़े बड़े नेता और नेत्रियां। देखा, एक एक छोटी मेज के पीछे प्रेस रिपोर्टर बैठे थे। पंडित तुलारे लाल भार्गव, ठाकुर श्रीनाथ सिंह आदि आदि, परिचित अपरिचित। श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय को मैं गौर से देख रहा था, उन्हें पहले ही पहल देखा था। कभी कभी श्रीमती सरोजिनी नायडू से बातें करती थीं, उठकर उनके पास जाकर। रह रहकर उस समर्पण की याद आ रही थी जो मिस्टर चट्टोपाध्याय ने अपने एक अंग्रेजी पद्य संग्रह का किया है, इस तरह का, 2K द फर्स्ट सनशाइन ऑफ माई लाइफ, अर्थात मेरे जीवन की प्रथम सूर्य किरण को। फिर इस राजनीतिक जीवन के घोर परिवर्तन पर सोच रहा था, जहां दोनों एक दूसरे के काव्य के विषय नहीं, जीवन के अंतरंग नहीं, स्पर्धा के विषय हो गए हैं। शाम को बाहर निकला, एकाएक एक ऊंची आवाज आई। देखा, एक स्वयं सेवक दौड़ा आ रहा है, स्वयं सेवक की वर्दी पहने हुए। मुझे देखकर दोनों हाथ उठाकर फिर उसने हर्ष ध्वनि की। मुझे ऐसा मालूम देने लगा जैसे उसे स्वप्न में कभी देखा हो। मुझे पहचानता हुआ न जानकर उसने आनंदपूर्ण लड़खड़ाती हिंदी में कहा, मैं वही हूं जिसे आपने चादरा दिया था। मुझे कला का जीवित रूप जैसे मिला। प्रसन्न आंखों से देखता हुआ मैं तत्काल कुछ कह न सका। संयत होकर बोला, आप कांग्रेस में आ गए, अच्छा हुआ। उसने कहा, फिर मैं वहां स्वयं सेवकों में भर्ती हो गया। प्रसन्न चित्त बाहर निकलकर मन में मैंने कहा, पाठक मिले तो बताऊं कैसे गुदड़ी बाजार में इसने चादरा बेचा। कई दिन हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई, पाठक वगैरह चले गए,
मैं शाम को कैसर बाग में टहल रहा था कि वह मनुष्य मेरी ओर तेज कदम आता देख पड़ा। मैं खड़ा हो गया। मेरे पास आकर उसने कहा, अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है, देश जाना चाहता हूं। रेल का किराया कहां मिलेगा? पैदल जाना चाहता हूं। मैंने बीच में बात काट कर कहा, क्या कांग्रेस के लोग आपकी इतनी सी मदद नहीं कर दे सकते? उसने कहा, नहीं, कांग्रेस का यह नियम नहीं है। मैं मिला था, मुझे यह उत्तर मिला है। खैर, मैं भीख मांगता खाता पैदल चला जाऊंगा, पर अपने पैरों की ओर देखकर कहा, गर्मी बहुत पड़ती है, पैर जल जाते हैं, अगर एक जोड़ी चप्पल आप ले दें। मुझ पर जैसे वज्रपात हुआ, मैं लज्जा से वहीं गड़ गया। मेरे पास तब केवल 6 पैसे थे, इससे चप्पल नहीं लिए जा सकते। अपने चप्पल देखे, जीर्ण हो गए थे। लज्जित होकर कहा, आप मुझे क्षमा करें, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने वीर की तरह मुझे देखा, फिर बड़े भाई की तरह आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर अमीनाबाद की ओर चला। मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। कहानी का नाम कला की रूपरेखा। कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।